हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्यूअल क्रैकर। हम एनसीईआरटी की हाईलाइट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने वन टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का कवर कर लिया। इसमें हम एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ेंगे, एक लाइन पढ़ेंगे, जहाँ से भी हमारे एमसीक्यूज़ जो है फॉर्म हो सकते हैं। और ये हमारे एंट्रेंस एग्जाम में भी हेल्प करेगी एनसीईआरटी, क्योंकि हम कोई भी एग्ज़ाम दें, साइंस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ का हम एग्ज़ाम दें, तो हमारे साइंस के क्वेश्चन तो आते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? हमारे सिक्स टू टेंथ के एनसीईआरटी से किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स के लिए जाएंगे, तो हमारी क्या होगी, हाईलाइट चाहिएगी हमें एनसीईआरटी की, जिससे अगर हम अभी से अच्छे से पढ़ेंगे तो हम अपने आने वाले टाइम में अपना एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम फोटोसिंथेसिस टर्म स्टार्ट करें। थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस, देखो, फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस मींस क्या होता है? फोटो मींस होता है, जस्ट अ मिनट, लाइट। फोटो फोटो मींस क्या होता है? लाइट, लाइट, ठीक है। और सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर या टू प्रिपेयर। अब देखो, जो प्लांट्स है, हमें सबको पता है प्लांट्स क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स जो सेल्फ ट्रॉफिज्म करते हैं, जो सेल्फ प्रिपेयर करते हैं अपने फूड्स को रॉ मटेरियल से, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, इनके हेल्प से वो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ये प्लांट्स क्या हुए, ऑटोट्रॉफ्स हुए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो किस तरह से उनके अंदर होते हैं, वो किस तरह फोटोसिंथेसिस के हेल्प से फूड बनाते हैं, और जो उनका फूड प्रिपेयर होता है वो क्या होता है, उसका क्या नेम है, जो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं। जैसे हम ह्यूमन हैं, हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद जो फूड हमारे अंदर सिंपलर से कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, तो आफ्टर ब्रेक डाउन वो किस क्या बनाता है, तो हमारे अंदर तो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। जो हमारा एनर्जी प्रोडक्ट होगा वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो जो प्लांट्स हैं उनका को एनर्जी प्रोडक्ट है वो क्या है, तो देखो प्लांट्स क्या करते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज। वो प्लांट्स की लीव्स जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके वो क्या बनाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और साथ में क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करते हैं और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन। तभी तो हमें बोलते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, जिससे क्या हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, फॉर ट्रीज के ऊपर फॉर ऑक्सीजन। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, अपने आसपास में हरा भरा रखना चाहिए, जिससे हमें हम डिजीज़ फ्री रह सके। और हम डिजीज़ फ्री कैसे रहेंगे, अगर हमारी बॉडी के अंदर सफिशियंट ऑक्सीजन जा रही तभी तो हम डिजीज़ फ्री रहेंगे। तो ठीक है, जो अब आपसे पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स है वो किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कि किसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस होती है, तो वो किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, ठीक है। और क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। अब इसके बाद में देखो, जो ये डायग्राम है, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला, जो ये वाला डायग्राम है, ये देखो लीव्स के अंदर है, ये क्या है, स्टोमेटा है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, गार्ड सेल का काम करते हैं। इसके अंदर कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, ये लीफ हो गई, और इसके अंदर क्या है, ये गार्ड सेल्स होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा लीफ के अंदर कौन से क्या गार्ड सेल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्टोमेटा और गार्ड सेल्स, ठीक है। ये स्टोमेटा का है और ये लीफ का डायग्राम है, इसमें स्टोमा है, स्टोमा के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है,
अब देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल इन लीफ, वाटर एंड मिनरल्स। देखो ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है। जो प्लांट है इसके अंदर, ये सॉइल के अंदर लगा हुआ है, सॉइल से उसको क्या मिलते हैं, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्योंकि सॉइल के अंदर इंसेक्ट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं कुछ कुछ प्लांट्स को, जो नाइट्रोजन प्लांट्स होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू। लीफ है, क्लोरोफिल पिगमेंट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और लाइट एनर्जी, ये क्या करेंगे यूज़ करेंगे, और हमें देंगे क्या, देखो एरो से डिनोट करके दिया हुआ है, क्या देंगे हमें, ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, जब इस प्रोसेस के दौरान जब ऑक्सीजन जो रिलीज होगी, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रोसेस में जब ऑक्सीजन रिलीज होगी तो वो क्या करेंगे, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जो उनका फूड प्रिपेयर होगा वो कहाँ होगा, लीव्स के अंदर होगा। उस फूड का नेम क्या होगा, जो ये दिया हो ना कार्बोहाइड्रेट, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वो क्या बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च भी बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जिस लीव, जहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट होगा लीव्स के अंदर, जहाँ स्टार्च प्रेजेंट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि आप कैसे इंडिकेट करोगे कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई है या नहीं है, किसकी वजह से। तो आप किसकी वजह से कर सकते हो, स्टार्च की वजह से। क्या स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट है? यस, स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक हम क्लास में ना लैब में एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, आयोडीन टेस्ट। ठीक है, अगर हमारे पास में, अगर हम एक रोटी का टुकड़ा लें उसके ऊपर हम आयोडीन डालें तो वो किस कलर में कन्वर्ट होगी। देखो इसमें परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एड यू एज यू डिड इन क्लास सिक्स, आपने फूड कंपोनेंट्स वाले चैप्टर में डिस्क में किया भी होगा। नाउ लीव द पॉट विद वॉज अर्लियर कैप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3 डेज एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। देखो हमें दो प्लांट्स के ऊपर करना है, एक तो जो प्लांट्स बाहर होते हैं और एक ऐसा कि उसको अंधेरे में रख दो, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, टेस्ट परफॉर्म करोगे और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। ग्रीन लीव्स के अलावा दूसरों के पास भी क्या होती है, क्लोरोफिल होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। जिनका कलर रेड, ब्राउन या कोई और होता है उसमें भी क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होती है और इसमें भी फोटोसिंथेसिस पाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रीन के अंदर ही होगी। यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेग्नेंट वाटर बॉडीज, दीज आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल एल्गी। कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, क्या बता सकते हैं एल्गी जो है ग्रीन कलर में क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, जो उसको क्या प्रेजेंट देता है, ग्रीन कलर। एल्गी कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। यू हैव जस्ट लर्न द प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हमने क्या किया है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ, वो किस में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके बने हुए होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ, किससे बने होंगे, तो वो किससे होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। दूसरे कंपोनेंट्स के लिए भी होते हैं फूड, प्रोटीन्स एंड फैट्स, बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस। जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन, विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, प्लांट्स जो अपना नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं। देखो, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। नाइट्रोजन जो है एयर के अंदर पाई जाती है, बट प्लांट जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन अपने एटमोसफेयर से नहीं ले सकते हैं। देखो लिखा हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्व कर सकता है नाइट्रोजन, तो क्या आंसर क्या होगा, नो। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, सॉइल के पास में क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करते हैं, उस गैस को ट्रैप कर लेते हैं और वो प्लांट्स को प्रोवाइड कराते हैं, रिलीज कर देते हैं सॉइल में, और सॉइल वहाँ से, सॉइल से
प्लांट्स की रूट है वो इनटेक कर लेती है. दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विद द वॉटर. ठीक है, वॉटर के साथ में. ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. आपने देखा होगा जो फार्मर्स है वो कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स को भी ऐड करते हैं, सॉइल में डालते हैं, जिसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन होती है. इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है, इसमें पोटेशियम होता है, बोलते हैं ना एनपीके, फॉस्फोरस. प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स. प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड वाइटामिन. जो प्लांट्स है वो क्या सिंथेसाइज कर सकते हैं, प्रोटीन्स और वाइटामिन. चलो अब आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा, क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में ही जा रहे हैं, एनसीईआरटी को ही हाईलाइट कर रहे हैं. ओके, बाय बाय.